नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव मंगवी। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्वायरमेंट 2021, यानी आपका केंद्रीय विद्यालय TGT PGT PRT और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए क्या अभी एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है एक दो दिन में, उसके बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि KVS TGT PGT और PRT का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। KVS TGT PGT PRT प्रिंसिपल का आपका सिलेबस क्या है। KVS TGT PGT और PRT का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। KVS TGT PGT और PRT का आपका वेतन यानी सैलरी क्या होगी आदि के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका दिया हुआ है, जब भी जारी होगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ की है, KVS TGT PGT PRT प्रिंसिपल भर्ती 2021 नोटिफिकेशन, क्योंकि इसका बहुत से विद्यार्थी यानी उम्मीदवार है वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं और ये कब जारी होने वाला है, बार बार पूछते हैं सर इसका नोटिफिकेशन यानी KVS रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती 2021 यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन टीचर रिक्वायरमेंट 2021 की आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही उपलब्ध होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS जनवरी में देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में PGT TGT PRT प्रिंसिपल के 5,949 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना के अनुसार KVS PGT TGT PRT प्रिंसिपल के 5,949 पदों के लिए आवेदन है वो आमंत्रित करने वाला है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जनवरी से फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से KVS PGT TGT PRT प्रिंसिपल वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम केंद्रीय विद्यालय संगठन टीचर ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आवेदन शुल्क क्या होगा, आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यानी अभी ये हाल ही में एक दो दिन में आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो वैकेंसी डिटेल अभी अलग अलग पद की पता नहीं है, क्योंकि अभी बताई नहीं है। अभी एक जब आप कॉपी से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो पोस्ट किस किस चीज़ की आएगी, इसमें प्रिंसिपल की आएगी, वॉइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, प्राइमरी टीचर यानी PRT, प्राइमरी टीचर म्यूजिक और लाइब्रेरियन के टोटल कितने आएंगे इसमें, 5,949, यानी लगभग आपके 6,000 पोस्ट आने की इसमें पूरी पूरी संभावना है। ये पोस्ट आपकी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अभी हाल ही में चर्चा ही चल रही है 5,949 पदों के लिए आपकी भर्ती आएगी। चलिए बात कर लेते हैं भर्ती के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यानी KVS टीचर भर्ती के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी शैक्षणिक योग्यता वो क्या होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लगभग आपके 45% आपके एग्रीगेट मार्क के आपके परसेंटेज होने चाहिए। यानी आपने अगर मास्टर डिग्री कर रखी है और साथ में BEd आपकी क्या है होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपके पास होगी तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। शायद इसमें आपके पास इस थोड़ा एक्सपीरियंस भी मांगेंगे शायद एक दो साल का, वो नोटिफिकेशन जब आप आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तब पता चल जाएगा। तो आपके 45% नंबर होने चाहिए एग्रीगेट यानी दोनों साल की मिला के मास्टर डिग्री में और साथ में BEd। अब बात करते हैं वॉइस प्रिंसिपल के बारे में। वॉइस प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो मास्टर डिग्री कितनी, कम से कम 50% आपकी क्या एग्रीगेट नंबर होना चाहिए और साथ में आपकी क्या BEd की डिग्री होनी चाहिए, ये क्या है इसमें होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में अगर बात करें तो 2 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड
पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी आपके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी का कोर्स होना चाहिए, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए और आपके पास क्या है टीचिंग, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का क्या है ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास ये है दोनों चीज़ें तो आप किसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं प्राइवेट टीचर के लिए, तो प्राइवेट टीचर के लिए अगर बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंक होने चाहिए आपके किसमें ग्रेजुएशन में, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% अंक होने चाहिए एग्रीगेट, यानी तीनों साल के मिलाकर आपके पास 50 अंक होने चाहिए, साथ में आपने बीएड की डिग्री हो की रखी हो, या उसके साथ आपके पास क्या है पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी आपने अगर सी टेट का पेपर क्वालिफाई कर रखा है, आप सी टेट क्वालिफाई हो, ये होनी चाहिए साथ में, और फिर आपके पास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपके पास, सी टेट ग्रेजुएशन विद कितने 50% अंकों के साथ एग्रीगेट, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हो तो आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपके पास 4 साल का कोर्स होना चाहिए इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, इसके साथ आपकी क्या होनी चाहिए आपके 50% अंक होने चाहिए, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए और आपको ज्ञान होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का। चलिए बात कर लेते हैं प्राइवेट टीचर के बारे में म्यूजिक के लिए, तो इसमें अगर बात करें प्राइवेट टीचर म्यूजिक के लिए तो कैंडिडेट क्या है 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, साथ में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या फिर इसके समतुल्य विषय में, तो आपके पास अगर डिग्री है किसकी म्यूजिक की और आपने 12वीं कर रखी है तो आप क्या है 50% अंकों के साथ 12वीं होनी चाहिए, तो आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरियन के लिए अगर बात करें तो डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, जो आपका कोर्स होता है लाइब्रेरियन का वो होना चाहिए आपके पास, वो भी किसी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आपका ये शैक्षणिक योग्यता हो गया। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए प्रिंसिपल की 50 मैक्सिमम दे रखी है आपको, ये वॉइस प्रिंसिपल की 45 वर्ष हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की 40 वर्ष हो सकती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 35 वर्ष हो सकती है, इसके अलावा अगर बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए 30 वर्ष हो सकती है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी 30 वर्ष हो सकती है और लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष हो सकती है, तो इससे ऊपर आपको क्या छूट भी मिलेगी सरकारी नियमों के अनुसार, तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट, तो आपका नोटिफिकेशन जनवरी में अभी जारी होने वाला है, इसी वीक में हो जाएगा या फिर सेकेंड वीक में, अप्लीकेशन फॉर्म आपके जनवरी में शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन या फिर अगले दिन आपके क्या फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं लास्ट डेट यानी KVS जो टीचर रिक्वायरमेंट है उसका अप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, वो होगी आपकी फरवरी, यानी फरवरी के मध्य तक क्या है आप इसको अप्लाई कर सकोगे अगर अभी जारी होता है तो। चलिए बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो 1500 रुपये आपकी फ़ीस होगी प्रिंसिपल के लिए, वॉइस प्रिंसिपल के लिए 1500, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1000 रुपये, TGT के लिए 1000 रुपये, लाइब्रेरियन के लिए 1000 रुपये, प्राइवेट टीचर और म्यूजिक के लिए भी 1000 रुपये। आपको फीस का भुगतान किसे करना है, ऑनलाइन मोड से करना है, SC और ST को क्या है फीस में छूट भी दी जाएगी, तो वो सारी बातें आप क्या है एक बार नोटिफिकेशन देख ले भी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी KVS टीचर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा साथ में एंट्री होगा, 60 नंबर का आपका एंट्री होगा और आपका सिलेक्शन इन दोनों के आधार पर क्या होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी KVS PGT TGT एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका, तो
सॉरी पीजीटी का आपका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं शुरू में, तो इसमें आएगी आपके क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। जनरल इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, टीचिंग मेथडोलॉजी आएगा इसमें 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टोटल आपका 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट आपको क्या दिए जाएंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्या क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग के लिए अभी क्या कोई जानकारी नहीं दी गई है। चलिए बात करते हैं KVS TGT एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आएगा जनरल इंग्लिश आएगी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, फिर जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, करंट अफेयर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, टीचर मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी कितनी आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो टोटल आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 150 अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 150 मिनट आपको क्या है 150 मिनट दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। चलिए बात करते हैं KVS PRT टीचर एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जनरल इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल हिंदी आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आएगा आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, कंप्यूटर आएगा आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, पेडागोजी आएगी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सब्जेक्ट कंसर्न आएगा आपका 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। तो टोटल आपके 150 आएंगे क्वेश्चन, 150 नंबर के होंगे, 2.5 घंटे का आपको क्या इसमें भी टाइम दिया जाएगा, यानी आपको इसमें भी क्या है 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट आपको दी जाएगी। ये भी आपका पेपर क्या होगा ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए बात करते हैं KVS इंग्लिश सिलेबस क्या होगा आपका। तो KVS का इंग्लिश सिलेबस क्या होगा आपका, ग्रामर आएगी इसमें, सब्जेक्ट आर्टिकल सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन पैसेज कॉम्प्लेक्शन फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्रीहेंशन वर्ब एंड एडवर्ब वर्ड फॉर्मेशन वर्ब एग्रीमेंट कंक्लूजन एंटोनिम्स अनसीन पैसेज थीम डिटेक्शन वोकेबुलरी एरर करेक्शन टेंस सिनोनिम्स इडियम एंड फ्रेज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये आपका इंग्लिश का आएगा। अब बात करते हैं KVS हिंदी सिलेबस, यानी तीनों पेपर के लिए ये ध्यान रखना है, जो हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग ये तीनों के लिए बताई जा रही है। एंटोनिम्स यानी हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, वो आप बता देता हूँ मैं आपको, हिंदी व्याकरण आएगी इसमें, समास संधि विच्छेद लोकोक्ति मुहावरे वाक्यांश के लिए एक शब्द वाच्य वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि, यानी सभी आपका हिंदी के टॉपिक लगभग सभी आएंगे आपके। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए, यानी KVS रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें आएगा आपका सिलोजिज्म कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल रीजनिंग वर्ड रिलेशन इनपुट आउटपुट डाटा सफिशिएंसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पजल टेबुलेशन कोडेड इनइक्वालिटीज रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट सेटिंग अरेंजमेंट। तो ये आपका रीजनिंग का आएगा। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय TGT PGT न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स का क्या क्या आएगा आपका इसमें, प्रोबेबिलिटी लाइन ग्राफ हाइट एंड डिस्टेंस पार्टनरशिप परसेंटेज नंबर सिस्टम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बोट एंड स्ट्रीम डेसिमल फ्रैक्शन पाइप एंड सर्टेन मेंसुरेशन टाइम एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन HCLCM प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड डिस्टेंस प्रमोटेंस कम्युनिकेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स मिक्सर एंड एलिगेशंस प्रॉब्लम ऑन एज। तो आपके ये क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से। चलिए बात करते हैं KVS TGT टीचिंग मेथडोलॉजी से, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें पूछा जाएगा आपका टीचिंग इंटरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया मेथड एंड थ्योरीज टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड आई है इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटीज एंड टीचिंग स्किल चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग एंड पेडागोजी। इसके अलावा अगर बात करते हैं KVS TGT PGT एंड प्रिंसिपल एग्जाम चिल्ड्रन
डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस, क्या होगा इसमें? लर्निंग एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। तो ये आएगा आपका पेडागोजी का जो सिलेबस होगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपका जब आप पेपर क्लियर हो जाएगा, जब आप पेपर पास कर लोगे, तो इन चिन्हों में क्या आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा, यानी तीनों पोस्ट के लिए अलग इंटरव्यू होंगे, 60 नंबर का आपका केस में इंटरव्यू होगा। तो साथ में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी केंद्रीय विद्यालय टीचर, यानी KVS, TGT, PGT, PRT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें, तो प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए 78,800 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी, 2,09,200 रुपये तक आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होते होते बढ़ जाएगी। वाइस प्रिंसिपल यानी ग्रुप ए के लिए 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये तक आपकी सैलरी पर मंथ है। ये PGT ग्रुप बी के लिए आपकी 47,600 रुपये से सैलरी शुरू होगी, 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। TGT ग्रुप बी के लिए आपकी 44,900 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी, 1,42,400 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होगी। लाइब्रेरियन ग्रुप बी में 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी सैलरी होगी इसमें भी। प्राइमरी टीचर्स की अगर बात करें, तो 35,400 रुपये से आपकी सैलरी होगी पर मंथ के हिसाब से, और 1,12,400 रुपये तक आपकी क्या सैलरी बढ़ते बढ़ते पर मंथ हो जाएगी। यानी बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो ज़रूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जो अभी एक जॉब आने वाली है पूरे भारत में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, KVS में क्या है आपकी TGT, PGT और PRT की क्या भर्ती आने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस किया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट भी नहीं थी, मैंने यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, धन्यवाद।